ये महागाथा है एक महापुरुष। कंठ में त्रिशूल थे, वाणी में जड़े बाढ़ थे, जिसे देख पसीने रुकते थे, वीरों के शस्त्र छूटते थे। तेज था, शक्तिशाली था, वीर था, बलशाली था, वो था रावण, हाहाकारी था, वो था रावण, हाहाकारी था। इस बेचैन धरा को किसी वीर की तलाश थी, सुदूर उत्तर में विधि ने छेड़ी राग थी। हे राजन, यदि आपको पुत्र ना हो रहा हो तो वेदों में वर्णित पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराइए। शिष्टाचारी, समाजवादी, मृदुभाषी वीर थे, दुष्टों के संहारक, इच्छाओं के वंशज थे, सरल, सहज, कोमल और शक्ति की पर्यायवाची थे। जिन्हें देख वीरों के सर झुकते, भाग्य के पीछे भीड़ थी, ऐसी थी सीता, श्री राम के भाग्य की नीड़ थी। प्रेम की प्रतिमा मर्यादा की धूप में जल रही थी, सब कुछ कुशल था, पर एक माँ के हृदय में चिंगारी भड़क रही थी। दो वचनों की आस, चारों तरफ फैले माया जाल से कौन बच पाया, वनवासी का रूप लिया राम ने, अयोध्या पर अवतार छाया। वही वचन जिनमें मैं आपसे दो चीजों की मांग करूंगी और आप वो पूरा करेंगे। पहले वचन में मैं मांगना चाहती हूँ अयोध्या का राजा राम नहीं भरत बने, और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष के वनवास में भेज दिया जाए। वो काल अब विकराल होने को आया, सीता पर था लंकेश का साया। मैं हूं लंकाधिपति रावण। चारों तनातनी आरंभ हुई लड़ाई थी, एक ओर राक्षस खड़े, दूसरी ओर वानर सेना आई। मेरा नाम